जिंदाबाद, गुंडागर्दी जिंदाबाद, दहशतगर्दी जिंदाबाद, ये डैम पे दहशतगर्द जमा हुए हैं, दहशतगर्दी जिंदाबाद। सर ना पहला एहतजाज ही तुसी जरा सा गाइड करो। मैं अपने नारे नारे जड़े मारने दे ले नहीं कट कट सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इत्तेजाज का असल मकसद ये है कि आए रोज हमारे इदारे के खिलाफ हर तरह की नजेबा जबान इस्तेमाल करना, पुरचोर डाकू कहना, माफिया कहना। देखो अगर किसी बंदे को भी इदारे के खिलाफ, किसी मुलाजिम के खिलाफ कोई कंप्लेन हो तो उसका हक बनता है कि वो लीगल प्रोसेस है कि वो जाए हमारे अफसरान के पास, उनसे बात करे, एप्लीकेशन दे हमारे खिलाफ। अगर हमारे अफसरान हमारे खिलाफ इंक्वायरी या कोई ऐसे मामला नहीं, मैं चेयरमैन वीसी खानपुर आबूजमान आपसे मुखातब हूँ। आज मेरे खिलाफ जो TMA ने एहतजाज बरे बाजार किया है, मेरे खिलाफ मेरी इज्जत और मेरी आबरू को उछाला गया है। मेरी आला काम से गुजारिश है, ये कार्य सरकार मुदाखलत क्या चीज़ है? ये आए रोज TMA आपने मुलाजमीन को इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले भी वो 3 FIRs दे चुकी हैं, एक में राजा महमूद हनीफ साहब का नाम है, दूसरी में तारक सेठी का नाम है, तीसरी में सर बाबर राजा रियाज कियानी का नाम है। अब चौथी FIR जो है वो उसमें चेयरमैन वीसी खानपुर मेरा नाम और मेरे 3 भाई और मेरा 1 बेटा है, जो TMA ने हमारे ऊपर सरकार मुदाखलत में FIR कराई है। मेरा कहने का मकसद ये है, जब हमारे ऊपर FIR हो गई है, वो अदालत में जब हमारा केस चला गया है, थाने में चला गया है, अब आप मतलब इसका जुलूस निकालने का, मेरे खिलाफ इत्तेजाज करने का क्या मकसद है? जी चलो TMA अगर निकालती है तो अपनी तरफ से 1000 दफ़ा निकाले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसमें जो गुंडे लोग साथ मिले हुए हैं, जो लगा खानपुर को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपका क्या मकसद है? आप TMA के मुलाजम हैं तो फिर बात है। मैं DPO साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, आप इस बात का नोटिस लें। मेरे खिलाफ जो मेरी इज्जत को छाला गया है, मेरे घर के पास आकर, मेरे भाई की दुकान के पास जाकर उन्होंने नजेबा जुबान इस्तेमाल की है, मेरी खुदारा सर आपसे गुजारिश है, आप बारीकी से इसका नोटिस लें। ये जो थाना हमारा खानपुर में DSP साहब बैठे हुए हैं, SHO साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी मोबाइल गाड़ी आपने इनको दे दी है, लेकिन आपने इनसे नहीं पूछा आप किस मसले में एहतजाज कर रहे हैं। एक हमारी ऊपर FIR हुई है पहले से, हमारे मसले मिसाइल अदालत में चल रहे हैं, हमारे पास ये जो कल TMO TOR साहब गए हैं, ये NOC है सर हमारे पास, ये मैं आपको सबूत देता हूँ। अब ये कह रहे हैं इसकी ये 2022 की रजिस्ट्रेशन है हमारे पास है, बकायदा हम टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, फिर उसके बाद सर हमारे आप ऊपर FIR कैसे हो सकती है? हम मेरी DPO साहब से गुजारिश है, आप इसको बारीकी से देखें, नज़दीक से देखें, किसी गरीब के साथ, किसी इज्जतदार बंदे के साथ ज्यादती ना हो, ना आप होने दें सर, हमारी आपसे गुजारिश है। ये कब्जा माफिया ग्रुप है, ये गुंडे लोग हैं सर, मेरी आपसे गुजारिश है, इनको इनसे आप अवाम को महफूज रखें, इनसे आप हमें निजात दें। मेरी अला काम से MNA MPA साहब से गुजारिश है, ये जो ग्रुप बना हुआ है खानपुर में कब्जा माफिया ग्रुप है, ये मैं इनको और तो कुछ भी नहीं कहूँगा, ये लोगों की इज्जतें उछालते हैं, ये लोगों कल मऊ बहनों की इज्जतें भी छालेंगे। आज इन्होंने जिस तरह मेरी इज्जत छाली है, इंशाल्लाह ऊपर खुदा है, मैं खुदा के ऊपर अपना मसला मतलब कि खुदा में इंशाल्लाह खुदा के ऊपर डालता हूँ, मेरे साथ इंशाल्लाह इंसाफ होगा, बेहतरीन तरीके से होगा, मैं इनकी किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। TMA AC साहब, ये मुझे आप ब्लैकमेल करना छोड़ दें, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँ, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं अवाम के लिए भी बोलना जानता हूँ, अपने लिए भी, अपने हक के लिए भी। मेरे बच्चों का रिज़्क आप ना छीने, उधार ये जो जट्टी लगी है 2 दिन पहले, ये गुंडागर्दी के जरिए लगी है, 50 लोग थे सर, 60 लोग थे, असले की नोक पे लगी है, लेकिन ये हमारे पास जो सनत है NOC है TMA की दी हुई है, ये DC साहब का एक हमारे पास ऑर्डर है सर, DC साहब आपने एक बैन लगाया हुआ है, ना नहीं कोई जट्टी लगेगी, ना ही कोई बोट आएगी सर, आपका ऑर्डर इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ये TOR साहब जो बैठी हुई है, ये अवाम के साथ ज्यादती कर रही है, ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए सर, गरीब अवाम जाए तो कहाँ जाए? DC साहब, AC साहब, DPO साहब, आप इस बात का नोटिस लें, वरना ये लोग आपको भी नहीं मानेंगे, इंशाल्लाह रोज़े क़यामत आपका गिरेबान होगा, हमारा हाथ होगा।